हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं आरसी का स्टेटस को कैसे चेक करते हैं। आरसी में कहाँ तक कितना क्या प्रोसेस हुआ है, एचएसआरपी नंबर प्लेट बनी या नहीं बनी, एचएसआरपी कहाँ तक क्या हुई है। एचएसआरपी होती है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। तो चलिए फिर चेक करते हैं। इसके लिए सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउजर या जिससे भी आप ब्राउजिंग करते हैं उसको ओपन कर लेना, और फिर वहाँ पे टाइप करना है एम परिवहन। इस साइट पे ओके करेंगे तो ये आ जाएगा एम परिवहन, परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद में ये आके ऐसा कुछ पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे थ्री लाइंस दिख रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इतनी सारी ऑनलाइन सर्विसेज आ गई, जैसे व्हीकल रिलेटेड सर्विस, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस, चेक पोस्ट। तो हमको क्या करना है, व्हीकल रिलेटेड सर्विस पे इसमें सिलेक्ट स्टेट, मैं राजस्थान से हूँ। उसके बाद में सिलेक्ट आरटीओ, हमारे RJ 18 पड़ता है, ये आ गया झुंझुनू RTO RJ 18। इसको प्रोसेस करते हैं, फिर यहाँ पे हमको कुछ जानकारी बताता है, इसको प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे इतनी सारी सर्विसेज आ गई, यहाँ से आप मोबाइल नंबर को भी ऐड कर सकते हैं। स्टेटस चेक करना है हमको, नो योर एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एप्लीकेशन नंबर और व्हीकल रिलेटेड सर्विस। एप्लीकेशन नंबर वो होता है जब हम नई बाइक लेते हैं तो उसके लिए आरसी के लिए अप्लाई करते हैं, तब हमारे पास में स्टार्टिंग में एप्लीकेशन नंबर आता है, ये एप्लीकेशन नंबर हो गया। और जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास में नंबर आ जाते हैं, तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास में नंबर आ चुके हैं। उसके बाद में ये यहाँ पे वेरिफिकेशन कैप्चर को एंटर करना पड़ेगा। इसको सबमिट करेंगे, सबमिट करने पे इस तरह से कुछ आ जाएगा। यहाँ पे आ गया एप्लीकेशन नंबर, ये हो गए, मैंने मोबाइल से OTP द्वारा रजिस्ट्रेशन हुआ था मेरा, तो एक कंप्लीट अप्रूवल 24 फरवरी को ही अप्रूवल हो गई थी मेरी HSRP। तो यहाँ पे 100 डिटेल्स में चेक करते हैं, ये देखो मैंने 24 तारीख को अप्लाई करवाया था HSRP के लिए, और 24 तारीख को ही मेरे नंबर आ गए थे। HSRP आने में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन 24 तारीख को ही मैंने अप्लाई करवाया था, 24 तारीख को मेरी बाइक के नंबर आ गए थे। इसके बाद में ये एप्लीकेशन नंबर, अभी तक RC, ये देखो HSRP 27 तारीख को मैं लेके आ गया था, उसी दिन ये डन हो गई थी, HSRP 27 तारीख को आ गई थी। इसके बाद में RC प्रिंट या स्मार्ट कार्ड स्टेटस, स्मार्ट कार्ड जनरेट, 21 मार्च को स्मार्ट कार्ड जनरेट हो गया था, लेकिन अभी भी मेरे पास में आया नहीं है। मैंने शोरूम से भी पता किया था, वहाँ पे भी अभी तक RC आई नहीं है। तो बाइक को लिए 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी तक RC नहीं आई है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एम परिवहन ऐप दिया है, वहाँ से आप मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद में वहाँ पे RC ऐड कर लीजिए और ड्राइविंग लाइसेंस ऐड कर लीजिए।